Hello everyone, welcome back in maths class. Today I am here with a new topic, that is prime factorization. Right, so first we take what is factorization. Factorization kya hota hai? We have learned that we can split a number and write its factor. Right, हम किसी भी नंबर को स्प्लिट कर सकते हैं और उसके फैक्टर को राइट करते हैं. सो फाइंडिंग आउट द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन. जब भी हम किसी नंबर के फैक्टर को फाइंड करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन. लाइक सपोज वी टेक 16. सो 16 को हम कैसे राइट कर सकते हैं? 8 मल्टीप्लाई 2, ऑल्सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. राइट, सो ऑल द फैक्टर्स ऑफ द 16, राइट. अब आप ये देखिए, ये जो है ये आपका क्या है? फैक्टर. बट ये जो है ये आपका क्या है? प्राइम फैक्टर, बिकॉज 2 इज अ प्राइम नंबर. सो इफ अ नंबर इज रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ ओनली प्राइम नंबर, जब भी आपके जो प्रोडक्ट है वो आपने ओनली प्राइम नंबर राइट किए हैं, सो वी गेट इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन. क्लियर स्टूडेंट्स? प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है? जितने भी आपके फैक्टर्स होते हैं वो सब कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सपोज 36 एंड इन सिंपल फॉर्म इट्स फैक्टर इज 3 मल्टीप्लाई 12, राइट. एंड प्राइम फैक्टर ऑफ 36 इज 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, बिकॉज 2 एंड 3 बोथ आर प्राइम फैक्टर, राइट. तो 36 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. सो दिस इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन. क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, वी कैन फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर बाय यूजिंग द फैक्टर ट्री मेथड एंड बाय डिवीजन मेथड. हमारे पास क्या है? टू मेथड्स हैं प्राइम फैक्टराइजेशन को फाइंड करने के लिए. फर्स्ट वी टॉक अबाउट फैक्टर ट्री मेथड. सो वी कैन यूज फैक्टर ट्री फॉर फाइंडिंग आउट प्राइम फैक्टर्स. प्राइम फैक्टर को फाइंड करने के लिए हम फैक्टर ट्री यूज करते हैं. सपोज वी हैव टू फाइंड प्राइम फैक्टर ऑफ 36. हमें प्राइम फैक्टर किसके फाइंड करने हैं? 36. सो इन द फैक्टर्स ट्री मेथड वी फॉलो सम स्टेप्स टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर. सो फर्स्ट वी स्टार्ट बाय डिवाइडिंग 36 बाय द फर्स्ट प्राइम नंबर, एंड द फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, राइट. एंड नाउ चेक विजिबिलिटी, लास्ट डिजिट इज 6, सो दैट इज डिविजिबल बाय 2, राइट. फैक्टर थ्री मेथड में क्या होता है? अब आपकी डिजिट ये गिवन है, अब इसकी हम क्या करते हैं? टू ब्रांच बना लेते हैं. ये इसकी क्या है? टू ब्रांच है. ऑलवेज रिमेंबर, जो आपका फर्स्ट नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा? प्राइम नंबर होगा, जैसे कि 2. अब 2 को हम 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 36. 18 टू जा 36. तो फर्स्ट ये हमारा क्या है? प्राइम नंबर, और ये हमारा क्या है? कॉम्पोजिट नंबर, राइट. सो वी सर्कल द प्राइम फैक्टर ऑफ 2 बिकॉज इट इज अ प्राइम नंबर. जो जो आपके प्राइम नंबर निकलते जाएंगे उसको आप क्या करते जाएंगे? सर्कल करते जाएंगे. नाउ वी डिवाइड द कॉम्पोजिट नंबर 18 बाय 2. व्हाई? बिकॉज द लास्ट डिजिट इज 8 विच इज इवन एंड ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, राइट. सो इट्स फैक्टर इज 2 मल्टीप्लाई बाय 9 बिकॉज 9 टू जा 18. हेयर इज अगेन 2 नंबर जो है आपका क्या है? प्राइम फैक्टर है. And we circle them, right? Now 9 is not divisible by 2, right? Because it is not a even number. It comes a table of 3, and 3 is a prime number. So we get 3 multiply 3. 3 3 is a 9. Then both are prime number, and we circle that. Clear, friend? So 36 equals to 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3. All are the prime number. Clear, students?
प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, जो भी आप फैक्टर फाइंड करते हो वो सब क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। अब इसके आगे कितने मेथड है, टू मेथड। द फर्स्ट हम जिसकी बात करें वो क्या है, फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री मेथड में क्या होता है, हम इसके टू ब्रांच बना लेते हैं एंड फर्स्ट एक नंबर हम उसमें से क्या लेते हैं, प्राइम नंबर लेते हैं। सेकेंड आपका कौन सा लेते हैं, कॉम्पोजिट। सेकेंड भी आपका प्राइम नंबर हो सकता है अगर कॉम्पोजिट नंबर से वो मल्टीप्लाई नहीं होता है। देन टू मल्टीप्लाई 18 बिकॉज 18 टू ज 36। देन वी सर्कल द प्राइम नंबर विच इज 2। नाउ वी टेक नेक्स्ट नंबर दैट इज 18 एंड 18 के जो टू पार्ट्स बनते हैं वो बनते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 9। देन सर्कल द 2 बिकॉज 2 इज अ प्राइम नंबर। देन 9, 9 इज नॉट कम इन अ टेबल ऑफ 2, सो वी टेक द नेक्स्ट प्राइम नंबर विच इज 3 एंड 3 इज अ 9। अब दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर है, तो हम दोनों ही नंबर को क्या कर देते हैं, सर्कल करते हैं। देन वी गेट प्राइम फैक्टर ऑफ 36। 2 टू ज 4, 4 3 ज 12 एंड 12 3 ज 36। क्लियर स्टूडेंट, वी टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज वी हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टर 24। सो 12 टू ज 24 एंड 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 एंड 12 एंड वी सर्कल द नंबर ऑफ 2। नाउ वी टेक नंबर ऑफ 12, 2 6 ज 12, देन वी सर्कल द प्राइम नंबर विच इज 2। देन 2 3 ज 6, बोथ आर प्राइम नंबर एंड वी सर्कल बोथ। देन 24 के प्राइम फैक्टर क्या हुए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 थ्री जा 24। क्लियर स्टूडेंट, सो दिस वॉज अबाउट योर प्राइम फैक्टराइजेशन बाय फैक्टर ट्री मेथड। नाउ लेट्स कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट मेथड इज बाय डिवीजन मेथड। Kids, we can also find prime factors by division method. Start dividing by the smallest prime number. सबसे पहले हमें इसमें भी क्या लेना है, smallest prime number, which is 2. Suppose we have to find prime factor of 16. अब division method क्या होता है, look like our LCM. जैसे हम LCM find करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन बना के रो एंड कॉलम में, देन वी राइट 60 एंड ऑल्सो चेक द डिविजिबिलिटी रूल। लास्ट डिजिट इज 0, दैट इज अ इवन नंबर, सो इट इज डिविजिबल बाय 2। अगर हम 60 को 2 से डिवाइड करते हैं सो वी गेट 30। देन 2 से हम डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, देन 0, अगेन लास्ट डिजिट इज 0 and 30 also divisible by 2, we get 15. Now last digit is odd number, so it is not divisible by 2. Now we take next number, the next number is 3. Ab 3 ka rule kya kehta hai, sum of odd numbers. 5 plus 1 is 6, yes it is divisible by 3. 15 divided by 3, then 3 5 is 15. Next 5 क्या है, 5 तो 5 की टेबल में ही आएगा। और ये हमें तब तक करना है जब तक हमें लास्ट में क्या नहीं मिल जाता है, 1. सो इट इज अ डिवीजन मेथड, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, दैट इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 16 by division method. Now multiply all the prime factor, 2 2 is 4, 4 3 is 12, 12 5 is 16. That is clear students. So this was about division method like a LCM. जैसे हम LCM find करने के लिए एक row बनाते हैं, column बनाते हैं, same as आपको division method में भी वही करना है।